कैसे हो? मना कैसे हो तू? भैया मैं बहुत अच्छा हूँ। और भैया आज का दिन हम खेल रहे हैं वाइल्ड बेस्ट का प्लॉट ज़ॉम्बी 2 का पार्ट। मना वाइल्ड बेस्ट, हाँ भैया वाइल्ड बेस्ट। और मना अच्छा है, और मना पायरेट्स ही हो गया। चलो वाइल्ड बेस्ट खेलते हैं भैया, उसके बाद फ्रॉस्टबाइट केव्स भैया, फिर होगा मिक्स नियॉन टेप टूर। और भैया बहुत सारी चीज़ें हैं, मना देखते हैं क्या क्या है ये वाइल्ड बेस्ट। भैया आपको बहुत अमेजिंग लगेगा, क्योंकि भैया और मैंने ये क्या है, ये डर्ट का माइनक्राफ्ट टाइप का क्या है? स्किक स्क्रूडर लॉक एंडलोडेड ऑल टाइमिंग पियानो म्यूजिक डाउनलोडेड चांस ऑफ टेको 0.1 मार्जिन ऑफ एरर ओके। मैंने क्या है भैया, पीसू कर है, मैंने इस पर टैप करा क्या होगा, मैंने कैसे वर्क करता है भैया? आप ड्रैग करेंगे भैया को देख सकते हैं, मैंने गेट पी मारेगा। अरे भैया आप इसको क्या कर रहे हो? मैंने ये गेट फनी है बहुत, देखिए भैया मुँह में ले रहा है, मैंने ये कि मुँह में ले रहा है इसको मारने के लिए, और मैं इसको ऊपर कर दूंगा। अरे भैया छोड़िए ना, ओके मैंने तो बहुत कमाल का है। तो भैया मेरे को चेरी बॉम अच्छा लगता है बहुत, मैंने इसका अपडेट कर सकते हैं भैया। अपडेट करके फायदा नहीं है भैया चेरी बॉम का, भैया वैसे ही ठीक है, मैंने पर हमको अपडेट भी करना चाहिए इनको। वैसे आपकी बात भी सही है भैया, हमको अपडेट भी करना चाहिए भैया इनको। ठीक है, हम इसका अपडेट भी कर देंगे। मना कोकोनट कैनन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करके इसको अपडेट नहीं करेंगे। स्पाइक रॉक चल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसको अपडेट कर देते हैं। चलिए भैया स्पाइक रॉक भी अपडेट कर दिया आपके बोलने पर। अब मना क्या उसके कॉस्ट भी थोड़ा कम है ना। और ये बाउंस बैक टू वाटर है, ये स्प्रिंग विंग हम लोग अभी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर नहीं है, कम मरेंगे नहीं इससे। और भैया आप देख सकते हैं भैया इसमें बटर का माइन भी आप लेना चाहिए आपको। मैंने आपको टॉयलेट मिल जाएगा क्या इसमें? हाँ भैया सही कहा, टॉयलेट मिल जाएगा। कब तो मन आगे कि ये कब का कोई काम का ही नहीं रहेगा। देखिए भैया ये क्या है, मैंने क्रिएट का नया कहो भैया सूट्स पावरफुल बॉल्स ऑफ प्लाज्मा, मैंने का अनलॉक भी नहीं हुआ का हमारा। हाँ भैया अभी का अनलॉक भी नहीं है। मैंने कहा कि ये क्या है भैया, मेलन बल्ग है ये। इसका प्राइस 325 होगा है और इसका 500 होगा है। अब ये प्रीमियम नहीं है, पैसे सा भैया गेम के डायमंड से भी नहीं भैया, इसको को रियल मनी से खरीदना पड़ता है। मन्ना को ने इसके चक्कर में कुछ कर लिया ही नहीं, पटक माइन क्यों ले रहा है बला को भैया? पहले को वैसे उतने खतरनाक ज़ॉम्बीज को आएंगे भी नहीं। तो भैया आप इस सेटअप से खेलिए, मन्ना वैसे भी एक पीस रुका है हमारे पास। भैया आपको पता है ना मैं इस कार्ड में क्या रखूँगा? मैंने मुझे पक्का को रिपेयर कर रखेगा? नहीं भैया मैं रिपेयर कर रखूँगा, मैंने चल अभी के लिए पीस उठकर हमारा काम करेगा। सही कहा भैया, अभी के लिए ये वाला पीस उठकर ही सही है। यहाँ पर लग गए क्या वॉलनट को भैया, इनकी चिंता करनी ही नहीं है भैया हमको, ये हमारा बहुत ज़्यादा काम निपटा के क्या भैया एक बार में। मैंने को सिंगल वाले को क्यों लिया भैया? अभी सिंगल वाले की वैसे भी हमको ज़रूरत नहीं है, बस स्लाइड डाउन कर दीजिए भैया इसको एक बार। क्या बात है मुन्ना, यहाँ पे एक रख दीजिए भैया। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मुन्ना कर क्योंकि ये कर रहा है भैया, मैं इसको ग्लिच करने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। एक ग्लिच भी होता था भैया पहले के वर्जन में, अब भैया मैंने यहाँ पे क्रीपी कर रख दिया, ये हुई ना बात भैया। मना हमारा ये संभाल लेगा इसको, हाँ भैया ये संभाल लेगा। हम लोग भी अपना क्रीपर के घर रखे हैं तो बहुत अच्छा बात है। वो मना गया कितना अच्छा है। हाँ भैया अभी अब रिपीटर लगाना चालू कीजिए। मुन्ना एक सेकंड रुक जा बस, तू मैं जरा यहाँ पे ये रख लूँ, उसके बाद ये रख लूँ, उसके बाद मैं इसको रिमूव करके इसको लगा के कहूँ ओके। अब चलो थोड़ा अच्छा रहेगा, हाँ भैया कम से कम थोड़ा का अच्छा रहेगा अभी। मोना के ऊपर के लिए कोई जुगाड़ नहीं है हमारे पास, रिपेयर का घर का संभाल लेगा, हम लोग यहाँ के संभाल के हैं। मोना सही है, पर भाई हमको नीचे भी रिपेयर चाहिए होंगे, तो हम लोग यहाँ पे भी रिपेयर लगा के जाएंगे। मोना ठीक है, मैं कई बात समझ चुका हूँ। और ये गबल सनफ्लावर का लगाना मत भूलिएगा भैया, हम लोग इनको नेक्स्ट रो में लगाएंगे, लगाएंगे कबर बिल्कुल भी, ज़रूर लगाएंगे भैया इनको भी।
बहुत काम के हैं भैया। मैनेजर यहाँ पे भी एक लगा गेकू। ठीक है भैया, आपके बोलने पर यहाँ पे भी लगा दूंगा एक। मना बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया ये तो। भैया स्पाइक भी इसको संभाल लेगा। मुन्ना एक काम कर, इस पे लगा गेकू। हाँ भैया, मुन्ना प्लांट फूड का के समय अगर ऐसे करेंगे तो गेक पूरा स्प्रेड हो जाता है इन पे। सही कहा भैया, और स्प्रिट भी आ गया भैया अपने पास। मैंने ये गेक दो पीस दो डायरेक्शन में शूट करके हैं, पीछे दो पीस शूट करके और आगे एक पीस शूट करके हैं। ओके, हम उसको पीस शूट करके जगह यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी 25 सन नहीं हो क्या भैया? एड बहुत परेशान करते हैं, जल्दी छोड़िए उन एड को। मतलब बकेट एड है इसमें भी, इसका डिफिकल्टी थोड़ा ज़्यादा है, आपको अगर नोटिस किया होगा अच्छे से। सही कहा, मतलब तीन जैसे पिनों के बार थे उसमें। कभी आपकी ये वाला बुढ़ा का एकदम भी देख रहे हैं भैया, ये भैया पूरे पीछे से आ जाता है एकदम। तो भैया इसके लिए मुझे स्प्लिट पी लेना पड़ेगा, पीस शूट करके ज़रूरत नहीं है। वैसे हम उसको यूज़ करके भी नहीं है, पर छोड़ो, क्रिपिट की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती अभी, इसकी ज़रूरत है। और हमको क्या चाहिए? ओके, और हम लोग ये ले सके हैं, और क्या भैया? ये ले सके हैं बस, और कुछ नहीं। हम मना क्या कि इसमें बहुत अरेंजिंग है नहीं है अच्छे से ये। सही कहा भैया, चलिए कोई नहीं। देखिए भैया, भैया यहाँ पे हम लोग रिपीट करके रो लगाएंगे करीब इधर कुछ यहाँ पे भैया, समझे? मना समझा गया, कभी इसको स्किप कर दीजिए बहुत अच्छा रहेगा। और भी कोई ऊपर आता है तो उसे आने दीजिए भैया, आने दीजिए। मैंने ये कूने क्या किया भैया? बका कहाँ, थोड़ा टेंशन मत कीजिए, बस बस काम कीजिए। और भैया उसके बाद यहाँ पे आपको ये रखना है, बॉन्क्चर आ जाए कहाँ? ओके, तो बॉन्क्चर आ गया मेरा। ओके, क्योंकि बॉन्क्चर ले रहा है, पर भैया बॉन्क्चर की जरूरत इधर है, मैंने आपको यहीं पे लगाना है। हाँ भैया, और भैया इसी तरह का भैया मैंने स्प्लिट भी दिया था, अब ये स्प्लिट भी काम करेगा भैया हमारा। और मना का रिपेयर करके काम कर रहा है पीछे से। हाँ भैया, और इस बॉक्स को रिमूव कर दीजिए भैया, और इसको भी रिमूव करके इसकी जगह ये लगा दीजिए। ओके, संख्या कुकनी नहीं है अभी का, चलो अब इसको लगा के कहें बहुत अच्छा रहेगा। और अब मुझे पता है भैया हमको क्या करना है, बस टेंशन खत्म। मेरा टेंशन अभी ख़त्म नहीं है कभी। सही कहा भैया, अभी तक टेंशन ख़त्म नहीं है। मैंने बस एक स्पाइक रॉक लगा देगा ना, स्पाइक रॉक लगा देगा तो सही रहेगा केरा। ओ नो, चलो कोई नहीं, यहाँ पे कोई प्लांट है नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मुझे जल्दी से यहाँ पे एक स्प्लिट भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ को लगाना पड़ेगा। मैंने ये लगा के, हाँ भैया, भैया एक ही वेव है ना भैया? मेरे को बस थोड़े से सन चाहिए, बस थोड़े से भैया, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए बस। ओके भैया, विश हो गई भैया मेरी पूरी। मैंने क्या विश पूरी हुई करी जी गए? और मैंने अभी को नहीं जीका है, आपको जी के गया हूँ ना। सही कहा, मैंने आपको जी के गया है को। तो बस हो गया भैया जुगाड़, मैंने इसको भी लगा गया। अरे भैया मुझे बॉम्ब चोर पे लगाना था, चलिए कोई नहीं, हम जीत कर फिर भी गए। और भैया हमको सीट पैकेट भी मिले हैं, मैंने सीट पैकेट मज़ा आ जाएगा भैया, इसके ही मिलेंगे। कभी स्प्लिट टॉयलेट के चार मिले हैं, ठीक है, टी पॉट के मिले हैं, ठीक है,
कुछ अपडेट नहीं होगा, पर कोई नहीं। अब भैया नेक्स्ट लेवल खेलते हैं। मैंने पियानो वाला कौन है भैया? पियानो वाला जब भैया अपना पियानो बजा कर भैया सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके लेन चेंज करने लगते हैं। मान लीजिए भैया कोई बकेट लगा रहा है और आपने उस लेन में एक रिपीटर दो रिपीटर लगा दिए हैं, पर भैया अचानक से अगर ये आ जाए भैया तो बकेट ऊपर वाले लेन में चला जा सकता है जहाँ पे आपने सिर्फ एक पीस रिपीटर लगाया हो। तो भैया आप जिस लेन के लिए प्रिपरेशन करके हैं स्ट्रॉन्गर ज़ॉम्बी के लिए, उस ज़ॉम्बी को दूसरे लेन में भी ले जा सकता है जिससे आपकी प्रिपरेशन ख़राब हो सकती है भैया। और मैंने समझा इसका मोटिव क्या है भैया, चेरी बम लास्ट टाइम लेना भूल गए थे, ये बहुत बड़ी गलती की भैया हमारी। मैंने स्प्लिट पी का चाहिए होगा, हमको बहुत बार बचाया है ये स्प्लिट पी। सही कहा भैया, ये ले लीजिए, इसलिए के बॉम्ब क्यों ले लीजिए भैया, क्योंकि ये दोनों आगे पीछे वार कर सकता है। भैया डबल सनफ्लावर का है ना आपके पास? मैंने वो तो है, कभी कब चिंता की बात नहीं है, कोई भी नहीं। अरे भैया एक काम करके हैं, क्यों ना भैया इसको हम लोग भैया उस संग वाले स्ट्रेटेजी से खेलें। मैंने सही कहा, संग वाले स्ट्रेटेजी से खेलते हैं इसको। भैया कोई फालतू हटाइए, मैंने एक मुझे लगता है कि अभी के लिए तो जो ये चेरी बॉम्ब है मुझे नहीं लगता अच्छा। ठीक है भैया चेरी बॉम्ब को अभी के लिए हटा दीजिए, फिर तो एक काम कीजिए भैया आप भैया ये वाला संग फ्लावर रख दीजिए और भैया अब खेलिए, अब पता चलेगा आपको क्या होता है। और मैंने जल्दी से संग वाली स्ट्रेटेजी लगा, हाँ भैया मैं संग वाली स्ट्रेटेजी लगाऊंगा। ठीक है तो इधर संग फ्लावर लगाया, जैसे ही सेना है दूसरा वाला लगाया, उसके बाद जैसे और सेना है ये वाला लगाया। मैंने सही कहा रैपिड फायर स्पीड में कुछ सनफ्लावर लगा के जा बस। हाँ भैया वही को कह रहा हूँ, जैसे सनाया ये लगाया, जैसे सनाया ये लगाया। मैंने पर इसके ज़ॉम्बीज थोड़े जल्दी जल्दी आते हैं, सही कहा भैया बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है ना अभी को सनफ्लावर स्पैम करके, हाँ भैया मैं सनफ्लावर स्पैम कर दूंगा अभी। देखिए भैया ये है, मैंने मैं यहाँ पे थ्री रिपीटर लगा दूंगा, ठीक है ना, ये तो मर ही जाएगा भैया। ये हमारा प्लांट भी कुछ इसके लगा है भैया, सिर्फ यही बात नहीं है भैया, मैंने अभी स्पाइक रॉक किस लिए रखा है हमने, सही कहा भैया स्पाइक रॉक में से कुरंक उड़ा दिया, इंस्टा किल कर दिया भैया उसको, बहुत अच्छा है मुन्ना। और इसका क्या भैया स्पाइक रॉक ही रखिएगा, ये वो लटमक रखिएगा भैया, स्पाइक रॉक और ये बॉम्ब का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है भैया, ये बच भी नहीं पाएगा कभी। मतलब ये सब डांस कर रहे हैं, जीत गए भैया इसी पे मार दीजिए इसी खुशी में भैया। मैंने ये क्या है भैया, हर जैसे एक एंजल्स लेवल होता है भैया हर एक उसका, वैसे भी इसका भी एक एंजल्स लेवल है जिसका नाम है अंकल माइलो सर, क्या नाम है इसका, ओके भैया बिग बैग ब्रूट। मैंने जब एंजल्स मोड तो हम लोग नहीं खेलेंगे, सही कहा भैया बोरिंग होते हैं, एक्चुअली मेरे को बोरिंग लगते ही है। ये देख एंगल्स वाला आ गया, हाँ भैया मैं जैसे मुझे लगा यहाँ था, चलिए खेलते हैं। मैंने जल्दी से खेले, हाँ भैया हर लेवल भैया आठ आठ लेवल खेलेंगे हम, सही काम करना। अरे भैया ट्रिकी वाला है इलेक्ट्रिक फेंस वाला, क्योंकि ऐसे भैया एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है इसके लिए। तो भैया इसके लिए यहाँ पे लगा दीजिए, मैंने कहा कि ये मार रहा है इसको, हाँ भैया तो भैया ये कमार जाएगा भैया, हमको एक बार में एक ही मिलेगा और भैया हमको एनिमी के हिसाब से भी दिखना है। मैंने कहा कि कौन आ रहा है,
तो यहाँ पे एक जगह कीजिए और यहाँ पे भैया सबसे पहले भैया इसको मारिए। मैंने ठीक है चल इसी को सबसे पहले मारूंगा और भैया उसके बाद इसको मारिए सबसे पहले। क्या बात है मैं ना जीत गए फिर से। हाँ भैया जीत गए। अब भैया कि ये वाला बुढ़ा वाला आ रहा है इसके लिए भैया ये वाला रख के हैं। मैंने कहा कि यहाँ से आ रहा है ये। हाँ भैया यहाँ से आ रहा है और देख सकते हैं ऊपर से भी आ रहा है और भैया नीचे से आ रहा है। मैंने हमारे पास तैयारी है इसके लिए सही का भैया तैयारी है। मैंने गया काम से सही का भैया पीछे आके बहुत बड़ी गलती करी इसने। ये सोचा हमको हमसे बच जाएगा और पीछे के उसको और भी कगड़ा फटका पड़ा भैया। मैंने और आ रहे हैं ऐसे तो ऊपर है कैसे जगह कीजिए भैया। अच्छा है गोगो यहाँ पे रखे हैं क्योंकि इस साइड के गोगो आ रहे हैं। नहीं मुन्ना यहाँ पे जरूर रखे। सबसे पहले भैया इसको मारेंगे। ओके भैया अच्छा भैया आप इसको पीछे सरका दीजिए। मैंने कहा दोनों का सर कैक हो रहा है इस पर। हाँ भैया अरे भैया कंस्ट्रक्शन चल रहा है भैया घर पर इसलिए भैया सॉरी अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो। और मैंने आप क्या करें अब ये करें भैया। ओए मैंने अच्छा डिसीजन था क्योंकि भैया रिपीटर अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा करेंट जो हो सकता है तो भैया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का भैया पूरे यूनिट में करना अच्छा रहेगा भैया। मैंने ये कह सारे इसमें रख गए के हम ठीक है भैया थोड़े यहाँ पर लगा दीजिए। मैंने आप ये गया काम से सही का भैया गया। और मैंने इसके लिए सारे चाहिए हमको। हाँ भैया ये वो करना था मैं कबूल गया था भैया उसके बारे में किसी कोई नहीं भैया। एक बार में चार चार पी फायर हो रहे हैं ये भी क्या बचेगा। मैंने आप कौन कौन आ रहे हैं। ओके भैया आ रहा है एक और डिसीजन लूँगा भैया ये अच्छा डिसीजन था मुन्ना जैसे कि मुझे लग ही रहा था। यहाँ पे हमको जाकर चाहिए होंगे। चलो यहाँ का रिपीटर अकेला संभाल लेगा अब यहाँ पे फिर का संभाल लेगा यहाँ पे ये संभाल लेगा और यहाँ पे ये संभाल लेगा। अब मुझे यहाँ पे ये चाहिए ठीक है अच्छा है ये गया और ये भी गया 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 ठीक है। मैंने चल अभी भी चल रहा है अच्छा। हाँ भैया अभी अच्छा चल रहा है। मैंने बकेट जा रहा है। ओ नो भैया इसको कहाँ पे प्लांट करेंगे। मैंने बकेट कहाँ से आ रहा था। आई थिंक मेरे इस साइड भैया इस साइड से आ रहा था बकेट हेड। मैंने उन्हें ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे बकेट हेड ही नहीं आया। अरे सॉरी भैया मेरे दिमाग में थोड़ा खा नहीं कोई नहीं भैया बकेट हेड चला मर जाएगा सही का मैंने बकेट हेड भी मर जाएगा। ये है भैया गड़बड़ ना क्या हुई भैया अब सही वाली गड़बड़ हो गई। मना क्या हुआ नहीं भैया गड़बड़ कुछ नहीं हुई है भैया मुझे याद रखना है। ओके सर ओके भैया अब ये मेरा ये वाला डिसीजन सबसे अच्छा है सही का मना एकदम अच्छा डिसीजन का जरा आपको आप क्या की सकते हैं भैया बहुत ज़्यादा अच्छा भी है ये। मना आप क्या करेगा तू भैया सारे प्लांट हटा दीजिए यहाँ से ये अपना निकल जाएगा। और मैंने हमने किसके लिए देखा ही नहीं। हाँ भैया देखा ही नहीं हमने को इसको मैंने हमारा प्लांट खा जाएगा ना। हाँ भैया प्ला अरे भैया अब ओके भैया अब ओ ना भैया खा जाएगा हमको। ओ मैंने खा गया। अरे भैया आपको स्लाइड करने को किसने बोला था चुपचाप जा रहा था भैया सॉरी भैया मैंने सॉरी चल कोई नहीं एक और प्लांट मिल जाएगा हमको। भैया आप भी ना वो आराम से जा रहा था आपने हमारा रिपीटर वेस्ट करवा दिया भैया। मैं अब नहीं करूँगा। ओके एक और मिला है चलिए मेरे ख्याल से हमको रिपीटर वैसे भी हटाना ही होगा। मैंने ये एक हाँ भैया एक को हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा एक यहाँ पे कभी हर रो को कवर कर रहा है भैया ये। मैंने यहाँ पे थोड़ी जगह की ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। हाँ भैया थोड़ी यहाँ पे जगह प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कभी जी गए। मैं रिपीटर नहीं जा भैया आपको रिपीटर नहीं जाना है यहाँ पे। मैंने एक और रिपीटर अब क्या करें
भैया जहाँ पे बंकर शंका का है वहीं पे लगाइए, बंकर शंका यहीं से आ रहा है भैया, तो यहाँ पे लगा दीजिए। मैंने देख मेरा रेगिस्तान सही था तो भैया हर पॉसिबल भैया पीस मेकर को ऊपर ही रखने की कोशिश कीजिए भैया। मैंने अब हमको यहाँ पे रखना चाहिए, हाँ भैया आपको आपको यहाँ पे रखना होगा, मैंने अब यहाँ पे रखना है, हाँ भैया अब यहाँ पे रखना है और अब यहाँ पे रखना है भैया। सही काम उन्होंने, आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, कैसे करें जीत गए और हमको चिली भी मिल गया भैया। अरे ये क्या करते हैं भैया, इसका क्या प्लांट है, कोई भी जॉम्बी इसको खा ले क्या भैया? जगनकार के हिसाब भैया जगनकार से मरे करें क्योंकि भैया सेंस बना करें जगनकार का भैया, सिर्फ डंडे से इसको ठोक देता है भैया, कभी उसको खाता नहीं है एक्चुअली में। ओके भैया तो स्प्लिट भी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये वाला जॉम्बी तो है ही, पर भैया टोस्टर वाली भी है, मैंने ये कौन क्या करती है भैया, ये अपने कपड़े के अंदर एक टोस्टर छुपा के रखी है जिसका टफनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको मारने के लिए भैया इसका किल प्लांट चाहिए होगा जो हमारे पास है, तो अच्छा है भैया तो एक ये ले लीजिए, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये सनफ्लावर स्ट्रेटजी ठीक है, खेलिए भैया मेरे ख्याल से काफ़ी है, हर टाइप का पीस रुकर का आपने ले लिया है, मैंने आपसे सनफ्लावर वाली स्ट्रैटेजी हम लोग स्पैम कर देते हैं, हाँ भैया सनफ्लावर वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। आप देख ही सकते हैं आ रहा है, मैंने इसके लिए काम कर तो क्रीपर लगाना है एक, हाँ भैया क्रीपर लगा देंगे इसके लिए, ओके बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने देखा कि ये कैसे फनी टाइप से गैस छोड़ता है, हाँ भैया यही कहा है इसका एनिमेशन बहुत फनी है भैया, ये मैंने एक और आ रहा है गया, और मैंने सही कहा भैया आपका ये भी चार्ज हो गया है, अच्छा है भैया, और मैंने फिर से आ गया, हाँ भैया फिर से आ गया ये एनिमेशन, और मैंने यहाँ पर रखना चाहिए ना आपको, हाँ भैया यहाँ पर स्पाइस फ्रूट रखी है, ओके भैया टोस्टर वाली आ रही है, मैंने टोस्टर कहाँ है इसका आ रहा भैया थैंकफुली इसने टोस्टर नहीं छुपाया था, पर भैया इसके अंदर छुपा होगा टोस्टर, मैंने सही कहा छुपा इसके अंदर का टोस्टर, क्या करें भैया इसके लिए इसका किल वाला है, और मैंने सही कहा ये कमर ही जाएगा ऐसे, ओ भैया ये अब क्या करेंगे, मैंने ये करना पड़ेगा, सही कहा भैया ये करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा भैया, आप सनफ्लावर आराम से करिए भैया, सनफ्लावर को स्पैम कीजिए भैया, मैं इन सबको देख लूँगा भैया, स्पाइक विट को भी वैसे भी ग्रुप में डैमेज देखा है, ओ नो भैया ये हुई ना भैया गड़बड़, मैंने अब क्या करेंगे भैया, इसे चुपचाप जाने कीजिए वैसे भी मर जाएगा भैया ये, अच्छा है हमारा क्रीपर वगैरह वगैरह कुछ खा नहीं यहाँ पे, चलो अच्छा है, हाँ भैया बहुत अच्छा है, और मना हमारे मार बिकेगा ये भैया, हम भी बुद्ध हैं हम इसको मारने क्यों कह रहे हैं, इसके लिए हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं ना भैया, सही कहा मैंने इसके लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं, चल ओ ना भैया लग कहीं आ रहे हैं, मैं क्या करेगा तू, ओ नो भैया मुझे एक इस पर डालना पड़ेगा भैया, चलिए भैया सब मर के जाएंगे, तेरे को लगता है सब मर जाएंगे आसानी से, हाँ भैया सब आसानी से मर जाएंगे मेरे को लगता है भैया, मैंने क्या बात है, अरे भैया कलेक्ट कीजिए इसको, मैंने एक और है कलेक्ट कीजिए भैया इसको, भैया सारे कलेक्ट करने हैं आपको, मैंने ठीक है मैं मिस नहीं करूँगा कोई भी, मैंने ये भी गया, हाँ भैया गया, मैंने ये भी मर गया, सही कहा भैया ये भी गया, जी गए भैया क्या बात है मुन्ना जी गए, हाँ भैया
हमको पैसे भी मिले भैया कुछ, मैंने चल ठीक है 50 पॉइंट मिले हैं, इससे क्या ही होगा भैया। पी पॉइंट हम लोग एक लेवल रिमेनिंग है, मतलब पी पॉइंट से क्या होगा भैया। पी पॉइंट बहुत अच्छा है, एक बार में आप 5 पी शूट कर सकते हैं अगर आपने उसका मैक्स लेवल कवर किया तो। मैंने उसका अभी कर सकते हैं क्या, करके देखेंगे भैया। Can I go invisible zombies about? Okay. Plant your defenses and defeat the zombies. मुझे पक्का का ये आएगा। और भैया इसमें कोई हार्ड जॉम्बी को नहीं है, पर भैया ये वाला है, मतलब 2000 ही है हमारे पास, हम कैसे करेंगे। अरे भैया खरीद कर देगा ना, कैसे जगह ही नहीं। ओ भैया अब देखना पड़ेगा थोड़ा, ये लगाना पड़ेगा, पर ये बहुत एक्सपेंसिव है भैया, ये एक्सपेंसिव है भैया। तो भैया काम करके हैं भैया, मेरा स्ट्रेटजी देखिए, मतलब क्या है तेरा स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। ओके भैया, और आपको इसके आगे ये लगा देना है, और एक भैया पीस का लगा दीजिए एकदम पीछे, मतलब तुझे लगता है तेरा ये काम करेगा। हाँ भैया बिल्कुल काम करेगा, आप खेलते हैं भैया। बॉम्ब से मेरा बहुत अच्छा है, और ये स्पाइक रॉक भी बहुत अच्छा है, देखते हैं। और भैया स्पाइक रॉक इतना पावरफुल होता है, उसका हेल्थ इतना होता है भैया कि भैया किंग जगेट को आके वार सह सकता है भैया। ये बोलिए भैया अच्छा नहीं है, मैंने वैसे अच्छा तो है भैया। कोऑर्डिनेट की कोई हिम्मत भी नहीं होती है भैया सामने खड़े होने की, पर ये टॉस कार वाली थोड़ी खतरनाक है भैया। मैंने टॉस कर इसके पास ओन हो भैया, इसके लिए लगाना पड़ेगा ओन। मैंने अरे भैया खा गया हमारा, मैंने अब इसके लिए क्या करेंगे सोचिए भैया सोचिए। मैंने यही चाहिए होगा भैया, स्पाइक रॉक तो है फिर भी, चलिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कोई, स्पाइक रॉक है भैया यहाँ पे। कॉर्नर तो मर जाएंगे भैया, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि भैया यही है मेन। ये क्रॉस करवा ली है, ये बहुत खतरनाक है, और मैंने इसे कैसे लड़ेंगे हम, लड़ सकते हैं भैया। भैया मेरे को भैया पता है हम, मैं कर सकता हूँ ये वाला। मुन्ना पर तूने बॉक्स चोर का अच्छा लगाया है, लेकिन तूने एक गलती कर दी मुन्ना, तूने अटैकिंग प्लांट ज़्यादा नहीं लगाए बल्कि बॉक्स चोर लगा दिए हैं ज़्यादा, क्योंकि तो वॉलट लगाने चाहिए थे ना ज़्यादा। ऐसा सही कहा भैया, कम एक्सपेंसिव भी होते भैया, देखते हैं तो जीत पाता है कि नहीं। ओके मैंने देखते हैं तो जीत पाता है कि नहीं भैया, मैं जीत जाऊँगा चिंता मत कीजिए, देख लेते हैं। देख लेते हैं भैया, ओए मन्ना देख इसके पास भी टोस्टर है। हाँ भैया टोस्टर तो है इसके पास, मन्ना खा रही है हमारा। अरे भैया ये अंदर जा रही है, और मैंने क्या होगा हमारा। एक भैया प्लांट फूड का यूज़ करना ही पड़ेगा भैया, मेरे जहाँ से लगता है। नहीं भैया नहीं 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 सही है भैया सही है, मैंने ये है। हाँ भैया ये हमारे टोस्टर वाले को ये हमारा खा नहीं सकती भैया, मैंने हमारा फाइनल वेव आ रहा है। हाँ भैया स्किप कर दीजिए इसको, मैंने टोस्टर वाले बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। सही कहा भैया बहुत खतरनाक हैं टोस्टर वाले। मैंने आप कैसे करेंगे हम भैया, फाइनल वेव है बस, मैंने आप लोग तीन वेव को ही संभाल सकते हैं एक साथ, इसको संभाल रहा है भैया मेरे को। और ये वाला वेव संभालना पड़ेगा, और भैया ये वाला वेव संभालना पड़ेगा, और मैंने अच्छा है भैया पर एक अंगर जा रहा है, मैंने इसको को मार सकता है क्या, नहीं मार सकता भैया। कोई नहीं भैया प्लेटफॉर्म चलने का, मैंने जब प्लेटफॉर्म चलने का क्या, और भैया आपको पी पॉट भी मिला। तो भैया अब मैं आपसे मिलता हूँ एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और सब वीडियोस देखने के लिए लाइक कमेंट आए को क्या कर रहे हो जाओगे बाओ।